नमस्कार दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगालियों एवं डचों के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज सबसे शक्तिशाली थे। 1599 ईस्वी में जॉन मिडेनहॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की तत्कालिक महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया। स्थल मार्ग से लेवेंट कंपनी को तथा समुद्रिक मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। इसी कंपनी से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तत्कालिक मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया था। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की और जहांगीर को उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग की जाने वाली बग्गी दी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खाकी उपाधि दी थी। दोस्तों, अन्य व्यापारिक कंपनियों की भांति महारानी एलिजाबेथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक के लिए अधिकृत करती है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तत्कालिक मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आता है एवं सूरत में बसने की अनुमति मांगता है। जहांगीर के द्वारा उसे सूरत में बसने की अनुमति दी जाती है, साथ ही साथ उसे इंग्लिश खां की उपाधि भी दी। पुर्तगालियों एवं अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर के द्वारा जो कैप्टन हॉकिंस को अनुमति दी जाती है उसका अनुपालन नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बलपूर्वक 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्सन द्वारा स्वाली एवं स्वाली नामक जगह पर पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराकर भगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1613 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूली पट्टनम में खोली गई। दोस्तों, हम यहां देख रहे हैं कि कैप्टन हॉकिंस के द्वारा सूरत में व्यापार की अनुमति मांगे जाने के बावजूद जब पुर्तगालियों ने एवं स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया, तो इस कारण जहांगीर ने सूरत में व्यापार करने का एवं बसने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने जब पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया, तब जहांगीर ने उसे 1613 ईस्वी में वहां बसने का अधिकार दिया। इसके पूर्व हम देखते हैं कि 1611 ईस्वी में ही मसूली पट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा एक कंपनी खोल दी गई थी। तो दोस्तों, यहां जानने वाली बात यह है कि अंग्रेजों के द्वारा खोली गई पहली कंपनी मसूली पट्टनम में थी, ना कि सूरत में। 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर पूर्णतः प्रभुत्व हो गया था। पलासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव द्वारा किया गया था। तत्पश्चात 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति या शासक शेष नहीं बचा जो अंग्रेजों को हरा सके। बक्सर का युद्ध बक्सर नगर के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर हैक्टन मुनरो ने किया था।
दोस्तों हम पलासी एवं बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणामों की चर्चा आगे के क्लासेस में विस्तृत रूप में करेंगे। अंग्रेजों ने अन्य महत्वपूर्ण युद्ध और संधियां की, जिसके फलस्वरूप 1947 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र राज रहा। यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजों ने भारत पर सर्वाधिक शासन किया। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। अंग्रेजों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन आदि की खेती कर इनको सस्ते दामों पर खरीद कर इंग्लैंड भेजना था, जिस कारण अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई तथा सड़कों का निर्माण भी करवाया। साथ ही अंग्रेजों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत में आयातित किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना भी था। दोस्तों, पुर्तगालियों, डचों एवं ब्रिटिशर्स के आने के बाद लास्ट में फ्रांसीसी भारत में आए। 1664 ईस्वी में लुई XIV के शासनकाल में काल्वर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो द्वारा औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करके मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में बालिकोंडपुरम के सूबेदार से एक छोटा गांव प्राप्त कर पौंडीचेरी की नींव रखी। 1764 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने चंद्रनगर में कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेजों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप इन दोनों के मध्य तीन युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनकी लालसा और लालच इतना बढ़ गया कि इन्होंने साम, दाम, दंड, भेद जैसे सभी तरीके अपनाकर अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। इन सब में अंग्रेजों की नीतियों और कार्यकुशलता के कारण उन्होंने भारत पर सर्वाधिक वर्षों तक राज किया।